हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू फाइन। आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट गुजराती में य, र और ल, कितने य, र और ल करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों, भ, म और उनकी एक्टिविटी है वो मैंने आपको पूरी कराई थी। तो आज से हम य है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है य, तो य का स्पेलिंग होगा वाई ए। क्या बच्चों, य का स्पेलिंग होगा वाई ए। फिर है य से क्या बनता है, यज्ञ। य से यज्ञ, उनका स्पेलिंग है स्क्रेट फायर। इंग्लिश में उनका स्पेलिंग होगा एस सी ए आर ई डी एफ आई आर ई, फायर यानी अग्नि। ओके, फिर बाद में है य का यंत्र, और इंग्लिश में उनको कहते हैं मशीन। तो मशीन का स्पेलिंग होगा एम ए सी एच आई एन ए। क्या बच्चों, मशीन का स्पेलिंग एम ए सी एच आई एन ई। ओके, तो यह से किस तरह बनाया जाता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। यह बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो गुजराती की टेक्स्ट बुक्स है उन य, तो य बनाने के लिए हमें यहाँ डॉट दिए गए गुजराती टेक्स्ट बुक्स में, जो हमें डॉट पे करना है। तो ये क्या होगा, ट की तरह बना। फिर यहाँ से हमें ज़्यादा खींचना है, यहाँ से ज़्यादा खींचा तो ये हमारा य बन गया। ओके, तो देखो बच्चों, मैं गुजराती टेक्स्ट बुक्स में प्रैक्ट कर रही हूँ, उसी तरह आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उनके अंदर करना है, कोई भी भूल के बिना। यदि आपको नहीं आता है तो आपके पास आपके मम्मी और पापा है, उनसे पूछ के करना है। तो ये य है, मैंने जहाँ डॉट दिए है वहाँ किया, और आपको भी इसी तरह करना है। ओके, तो ये है य, आपको आ जाएगा किसका, यज्ञ का और यंत्र का य, वो आपको आसानी से आ जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा और बुक में भी करना है। ओके, तो अब हम य वाले हैं वो शब्द पढ़ते हैं। य म राज, योग, युव राज, यंत्र। क्योंकि बच्चों य पे अनुस्वार दिया गया इसलिए यंत्र नहीं, यंत्र बोलेंगे। या क युवा, ठीक है, ये शब्द हमने पढ़ लिए। अब य वाले वाक्य है वो हम पढ़ेंगे। राम 14 वर्ष वन में गया, तो यहाँ पे य कहाँ आया, राम 14 वर्ष वन में गया, तो य यहाँ आया बच्चों। देखा, आ की मात्रा वाला य। कन्नैयो वैकुंठ में रहे छे, वैकुंठ यानी पे अनुस्वार यानी कि वैकुंठ बोलेंगे। तो यहाँ पे यो, ओ की मात्रा वाला। ओके, फिर है गौतम गीत गाए छे, तो ये अ की मात्रा वाला। तो तीनों य यहाँ हमने देखे, राम 14 वर्ष वन में गया, कन्हैयो वैकुंठ में रहे छे, गौतम गीत गाए छे। तो बच्चों यह हमने सीख लिया, और आपको अपनी बुक में वो प्रैक्टिस करना है। बाद में आता है र। तो बच्चों देखो, र, र का स्पेलिंग क्या है, आर ए। क्या है र का स्पेलिंग, आर ए। ओके, तो र से क्या बनता है, रथ। र से बनता है रथ, कैरोट यानी रथ। उनका स्पेलिंग होगा सी एच ए डबल आर आई ओ टी। ओके, फिर यहाँ पे रबर है, तो इंग्लिश में उन्हें इरेजर कहा जाता है, उनका स्पेलिंग है ई आर ए एस ई ई आर ए। ओके, आ गया ई आर ए एस ई आर यानी कि रबर। अब र है, हमें किस तरह करना है वो बच्चों देखो, मैं आपको टेक्स्ट में बता रही हूँ, जहाँ डॉट डॉट दिए गए हैं वहाँ हमें यहाँ से लाना है, लाए फिर उनको हम आधा सी है उस तरह करना है। ये आधा सी हुआ ना हमारा, देखो ये हुआ ना, फिर यहाँ से लाइन खींचनी है, यहाँ से सी किया लाइन खींची और यहाँ नीचे लाए, तो ये हमारा पूरा र बन गया। तो देखो बच्चों, इसी तरह हमें हमारा र बनाना है। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में
डॉट दिए गए उन पे अपनी जो पेंसिल है उनसे प्रैक्टिस करनी है। यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा लिखना आ जाएगा और आपको सरलता होगी। यदि नहीं आता है तो आप अपने मम्मी पापा से सीख सकते हो। इसी तरह रहे वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी करना है और बुक में भी प्रैक्टिस करनी है। चलो अब है उनके शब्द, जो शब्द बनते हैं र से। पहला है रण, फिर बाद में रमत, फिर बाद में रंग, फिर बाद में राक्षस, रकाबी, राम। ठीक है, ये वाक्य शब्द थे वो हमने देखे। फिर वाक्य है र वाले, उनको भी हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो क्या लिखा है, आपड़ा राष्ट्रपिता गांधी जी छे। तो यहाँ र कहाँ आया, यहाँ पे आया, अपना राष्ट्रपिता गांधी जी छे। रामू कसरत कर, तो र यहाँ पे आया। बच्चों देखो समय पर चल, तो यहाँ पे र आया। तो हमने र सीखा बच्चों। अब हमारा यहाँ से हमें र तीन बार आए ऊपर भी, ये रा ये र तीन बार आए ना बच्चों। देखो रा र और रामू में रा, कसरत में र और कर में र, फिर यहाँ पे समय पर चल, तो यहाँ पे भी र आया, वो हमने बच्चों देखा। उनके बाद का शब्द है हमारा ल। क्या है बच्चों ल, तो ल का स्पेलिंग होगा एल ए। क्या ल का स्पेलिंग एल ए, ओके। तो ल से क्या बनता है, गुजराती में उन्हें लविंग और इंग्लिश में इन्हें क्लो कहते हैं, सी एल ओ वी ई, ओके। फिर बाद में है लसन, गुजराती में इन्हें शू कहवाए लसन ने, इंग्लिश में इन्हें गार्लिक कहवाए। तो स्पेलिंग है जी ए आर एल आई सी, गार्लिक, जी ए आर एल आई सी, ओके। फिर बाद में ल बनाना सिखा रही, तो हमें क्या करना है, सी बनाना है पहले। इसी तरह इंग्लिश में हमें बी सी डी का सी बनाते हैं ना, उसी तरह हमें सी बनाया, ओके। बना लिया, फिर सी है वो यहाँ से बीच में किया, गुजराती का नो हो गया। फिर बाद में सी बना के इस तरह करके खड़ी लाइन बनानी है। क्या करना है, खड़ी लाइन, तो हमारा ल है वो बन जाता है। तो देखो बच्चों ये ल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ल डॉट में डॉट डॉट दिए गए हैं, उन पर किस तरह बनाना है, ओके। ये ल, तो आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक से उन्हीं के अंदर ल बनाना है, जहाँ भी डॉट दिए वो पूरा करना है और बुक में भी करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं अलग से नहीं बोलूँगी। तीनों अक्षर है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में तो बनानी है, लेकिन बुक में भी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो ये हमने ल किया, आगे का आपको होमवर्क। फिर यहाँ जो ल वाले शब्द है उन्हें हम पढ़ेंगे। देखो ल खोटी, लग्न, लक्कड़ खोद, लक्ष्मी जी, लड़ाई, लता, ओके। तो ल वाले शब्द हमने पढ़ लिए, अब ल वाले वाक्य है वो हम पढ़ेंगे। तो ल वाले वाक्य, होलो ढोल वगाड़ तो जाय, तो यहाँ पे ल कहाँ आया, तो यहाँ पे होलो ने ल ढोल, तो दो शब्द आए यहाँ पे। फिर है माला तरवा जाए, तो माला क्या करनी है, सिमनिंग करने जा रही है, इसीलिए यहाँ ला माला। जय मिठाई लाओ, तो जय क्या ला रहा है, मिठाई ला रहा है, तो यहाँ पे ल कहाँ है, या लाओ गिव, ओके। तो हमने होलो ढोल वगाड़ तो जाए, माला तरवा जाए, जय मिठाई लाओ, तो हमने वो भी वाक्य किए। तो बच्चों आज हमने तीन किए, कौन से शब्द याद रखना, य र फिर ल, ये शब्द कर लिए हैं इस वीडियो में। और आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक से गुजराती जहाँ भी डॉट दिए हैं उन पे पूरा करना है और अच्छी तरह लिखना है और बुक में भी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज इतना काफ़ी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।